दोस्तों पबजी कितना पॉपुलर गेम है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है दोस्तों, और फोन के अंदर चल रहा है पबजी का गेम। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों पबजी बैन हुआ दोस्तों, और क्या है पबजी के साइड इफेक्ट्स। दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव गेम है, इस वजह से आप सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप भी जरूर से खेलते होंगे पबजी। पबजी खेलने में तो घंटे दो घंटे चार घंटे निकाल देते हैं, दो चार मिनट ही इस वीडियो को भी देखिए, देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ इस घंटी के निशान को दबाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस के फौरन लुत्फ उठाइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला, करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों पहले तो कमेंट करके बताइए कि आप पबजी खेलते हैं या फिर नहीं। दोस्तों अगर पबजी खेलते हैं तब ये वीडियो खास आपके लिए है, नहीं खेलते हैं तब भी आपके लिए, क्योंकि आपको जागरूक होना चाहिए, सबको बताना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों चाइना में पबजी बैन हो गया है, ये अभी दोस्तों एक आध हफ्ते पहले की खबर है। चाइना में पबजी बैन हो गया है। बैन होने की वजह ये दोस्तों, क्योंकि वहां पर एक हो गई थी सुसाइड पबजी की वजह से, और उसके साथ ही मेंटल डिसऑर्डर वहां पर कंप्लेन आई पबजी को लेकर, तो चाइना में पबजी को पूरी तरह से बैन कर दिया। सोचिए दोस्तों, जो कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है पूरे वर्ल्ड में, उसमें पबजी बैन। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इंडिया में पबजी की क्या स्थिति है। यहाँ पर दोस्तों आधे घंटे में करीब एक गेम कंप्लीट करते हैं लोग, 100 लोगों का गेम होता है, तो आधे घंटे में अगर एक गेम कंप्लीट करते हैं, और एक गेम में किसका पेट भरता है, 4-5 गेम तो हो ही जाते हैं दोस्तों। दिन भर में 2-3 घंटे पबजी में कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। पहली जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, वो कि समय की बर्बादी कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, खासकर स्टूडेंट दोस्तों, 2-3 घंटे एक बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट के लिए। दोस्तों दूसरा जो साइड इफेक्ट है वो कि हम अपने आप को वायलेंटली एग्रेशन में डाल रहे हैं। दोस्तों बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट काफी होता है। अगर आप खुशी वाली मूवीज देखेंगे, आपने नोटिस किया होगा, तो आपका मूड अच्छा होगा। अगर आपने थ्रिल वाली मूवी देखी होगी तो आपका मूड थ्रिलिंग जैसा होगा, एडवेंचरस सा होगा। दोस्तों ये एक वायलेंट गेम है, तो यहाँ पर हमारा जो मूड होता है वो एग्रेशन और वायलेंट में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सोच है वो ढलने लगती है इस प्रकार से। हालांकि सबके ऊपर असर नहीं होता है, लेकिन दोस्तों बच्चे तो अबोध होते ही हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों ये वाला जो साइड इफेक्ट है वो काफी मजेदार है। दोस्तों पबजी आप जितना खेल रहे हैं उतना पबजी कंपनी पैसे कमा रही है, आपको केवल मजा मिल रहा है और वो कंपनी पैसे कमा रही है, और आप खेले जा रहे हैं। ठीक है मजा आ रही है मानता हूँ, लेकिन दोस्तों आपको नहीं लग रहा है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों एक लोग का नहीं, सोशली आपका इस्तेमाल किया जा रहा है केवल और केवल पैसे कमाने के लिए, और यहाँ पर आपको उसके बदले मजा दे दिया गया है। मजे में क्या दोस्तों, एक ठो माइक दे दिया गया है कि हाँ बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और यही वजह है कि पबजी इतना पॉपुलर है। दोस्तों मेरी बातों से अगर आपकी बातें मैच करती हो तो कमेंट करके बताइए, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए अगर मेरी बातें सही थी, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों सबके साथ, अगर आपके घर में कोई बच्चा हो या फिर अगर आप जानते हैं ऐसे किसी को जो पबजी ज्यादा खेलते हैं उनके साथ। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय बाय।